नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हार्ट अटैक की जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमारा दिल हमारे शरीर में हर जगह खून पहुँचाता है और खून जब वहाँ से आता है तो फिर से पंप करता है। लेकिन हमारे दिल को भी खून की ज़रूरत होती है और इस खून की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दो आर्टरीज़ होती हैं जो दिल में खून पहुंचाती हैं। एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। दोस्तों, ये दोनों आर्टरीज़ खून पहुंचाती हैं हमारे दिल के मसल्स तक, दिल की मांसपेशियों तक, और मांसपेशियाँ फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं और हमारा दिल धड़कता है। जब खून ब्लड कोरोनरी आर्टरीज़ के थ्रू दिल तक और दिल के हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है तो हमारा दिल जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसी कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन बोलते हैं या हार्ट अटैक बोलते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत ही आम कारण है वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथायरोस्क्लेरोसिस। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपके घर में कोई एक नल है जहां पर पानी हमेशा बहता रहता है, तो जब आप नल में या आप एक पाइप के अंदर देखते हैं तो वहां काफ़ी मात्रा में काई जमी हुई रहती है। दोस्तों, ऐसे ही जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वो ब्लड्स को सप्लाई करते करते धीरे धीरे जो ब्लड के अंदर जो लिपिड होता है, जो तेल होता है, वो कोरोनरी आर्टरी के चारों तरफ वॉल्स में चिपक जाता है और जम जाता है। और धीरे धीरे जमते 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 इतना ज़्यादा जम जाता है कि वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। जब आर्टरी बंद हो जाती है तो जो खून यहाँ से आना चाहिए वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाता और हार्ट मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा कारण है मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन का एथायरोस्क्लेरोसिस। आपने सुना भी होगा एक सिंपल सा वर्ड कि 90% ब्लॉकेज था या 100% ब्लॉकेज था, दो 60% थे, एक 100% था, तो वो कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होता है, कभी 60%, कभी 70%, कभी 100%। तो 100% में तो आपको मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन हो ही जाता है, हार्ट अटैक आ ही जाता है, लेकिन कभी कभी 60-70% में भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक जर्मन मेडिसिन बताऊंगा जो ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को धीरे 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 ठीक कर देती है। अगर आपको कभी हार्ट अटैक आया है और आपने स्टंट का उपयोग किया है, मतलब एक स्टंट लगवा ली है, ऑपरेशन करवा लिया है, उसके बाद भी दोबारा जमने के चांसेस रहते हैं, तो दोबारा जमने के चांसेस को भी कम करती है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को ठीक करती है और दोबारा जमने के चांसेस को कम करती है। जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और जो फिर से आपको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, उसको भी कम करती है। तो दोस्तों, ये है R12। दोस्तों, R12 कैल्सिफिकेशन ड्रॉप के नाम से भी आती है, डॉक्टर रेगवेक की आर ग्रुप की मेडिसिन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि R12 में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है, उसके बाद मैं इसको यूज़ करने का तरीका, पीने का तरीका बताऊंगा और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको कहाँ पर मिलेगी और कितनी इसकी प्राइसिंग है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें आर्निका। दोस्तों, आर्निका आप सभी जानते हैं कि खून को पतला करती है। अगर आपको लकवा मारने वाला हो या लकवा मार दिया हो, तुरंत आप ये मेडिसिन लेते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, आर्टरीज़ में जो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जो एथायरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उसको ये निकालने के लिए बहुत ही मददगार मेडिसिन है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है ऑरम क्लोरेटम। दोस्तों, ऑरम क्लोरेटम अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ कैल्सिफिकेशन हो रहा है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, एक मेडिसिन है बैरियम क्लोरेटम। दोस्तों, ये जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के जो लक्षण होते हैं, उसके बाद के जो लक्षण होते हैं, जो खून की कमी के कारण जो लक्षण होते हैं, वीकनेस या टायर्डनेस या दर्द होना है, इसके लिए बहुत ही
इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। एक मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। दोस्तों कोनियम मैकुलेटम एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करती है, साथ ही साथ अगर आपको चक्कर आता है उस दौरान तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक मेडिसिन है आयोडेट्स, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये जो आपका खून जो गाढ़ा हो गया है उसको ये ठीक करती है, कैल्शिफिकेशन को ठीक करती है और एथेरोस्क्लेरोसिस को भी ठीक करती है दोस्तों। एक मेडिसिन है ग्लोनाइन, तो ये हाई बीपी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, हार्ट पेल्पिटेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों लास्ट में इसमें प्लम्बम एसिटिकम डली हुई है। दोस्तों प्लम्बम एसिटिकम एथेरोस्क्लेरोसिस को ठीक करती है, साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है दोस्तों। ये थी R12 में डली हुई मेडिसिन। दोस्तों अब चलते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एक दो बार जो आपका ECG है वो भी थोड़ा सा ख़राब आया है, साथ में कभी आपने अगर चेक कराया हो तो आपको ब्लॉकेज की भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेडिसिन खाइए लेकिन अभी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये समस्या है तो तुरंत R12 का उपयोग करिए। 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, तो 1 कप ले लीजिएगा, उसमें आधा कप पानी डाल लीजिएगा, 10 बूंद R12 को डालिएगा, ये R12 है, और उसके बाद उसको पीना है सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार रात में। दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है और आपने ऑपरेशन करा लिया है, दोबारा ना आए तो R12 का उपयोग ज़रूर करें, 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। दोस्तों अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप बुज़ुर्ग हैं और चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक ना आए, 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, R12 का उपयोग, R12 का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आप बुज़ुर्ग हैं और एक हार्ट टॉनिक भी यूज़ करना चाहते हैं तो R12 के साथ, R12 के साथ R2 का उपयोग करें, R2 का भी उपयोग करें, 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार R2 का उपयोग भी करें, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों R12 का उपयोग आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक ज़रूर करना चाहिए, हर 1-2 महीने में ECG कराते रहना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल वाला वीडियो है, नीचे इस वीडियो के लिंक दे देता हूँ, वो भी मेडिसिन आप R12 के साथ चलाइए, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और आपका जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन सिर्फ हार्ट अटैक में काम नहीं आती, ये मेडिसिन कहीं और अगर आपको कैल्सिफिकेशन हो गया हो किसी आर्टरीज़ में, जैसे आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी ये काम आती है। तो अगर पैरालिसिस है या कहीं भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है किसी भी आर्टरी में तो R12 का उपयोग आप कर सकते हैं। लास्ट में अब चलते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। तो ये आपको होम्योपैथिक शॉप में आराम से मिल जाती है, थोड़े से बड़े से होम्योपैथिक शॉप में जाइएगा अपने शहर में और आराम से आपको ये मिल जाएगी। ये मिलेगी आपको 220 रुपये की और 22 ml की ये फाइल है, एक फाइल आराम से लगभग 20 दिन ये चल जाती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के लिए, चाहे वो कार्डियक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो, चाहे वो कहीं और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो या कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज हो गई हो, तो R12 का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।